मेरा नाम नेहा, हम कक्षा 7 का छात्र हैं। आज हम आपके सामने खड़े हैं ताकि हम मिलेट्स के बारे में बात कर सकें। मिलेट्स, जिन्हें बाजरा भी कहा जाता है, पौष्टिक अनाज है जिनमें विटामिन और खनिजों का भरपूर स्रोत होता है। ये हमारे आहार और पर्यावरण के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हम आपको अधिक जानकारी देंगे। बाजरा या मोटे बाजरा, मोटा अनाज है जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है और सबसे ज्यादा खाया जाता है। बाजरे का वैज्ञानिक नाम पेनिसिलिन ग्लॉकम है। बाजरे में प्रोटीन, फाइबर, अमीनो एसिड जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो स्वस्थ आहार के रूप में उपयोगी होते हैं। बाजरे से ब्रेड, दलिया, कुकीज और अन्य विभिन्न व्यंजन बनाए जाते हैं। बाजरे के फसल अवशेषों से जैव ईंधन बनाया जाता है। रागी बाजरा, रागी हमारा स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। रागी का मुख्य स्रोत आयरन है। रागी की सीधी बुवाई अथवा रोपा पद्धति से बुवाई की जाती है। रागी में विटामिन डी पाया जाता है। रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। रागी का आटा गन्ने की दुकानों में मिलता है। कांगड़ी बाजरा, कांगनी वैज्ञानिक रूप से सिटारिया इटालिका है और प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिजों का अच्छा स्रोत है। यह ग्लूटेन से मुक्त होती है, इसलिए ग्लूटेन संवादी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। कांगनी मधुमेह के नियंत्रण में मदद कर सकती है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है। कांगनी को विभिन्न व्यंजनों में उपयोग किया जा सकता है जैसा कि पुलाव, उपमा और रोटी। कोडो बाजरा, कोडो बाजरा या पासपलम बिकुलेटम पोएसी परिवार से संबंधित है। ये हल्के लाल से गहरे भूरे रंग तक चलता है। भारत में कोडो बाजरा की खेती लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई थी। इसकी खेती भारत के अलावा रशिया, चाइना, अफ्रीका और जापान में की थी। कोडो मिलेट उच्च लोह स्तर एनीमिया में मदद करती है और इसके उच्च प्रोटीन और फाइबर सामग्री इसे मधुमेह में अनुकूल अनाज बनाती है। यह रक्त शोधक के रूप में काम करता है, हृदय के कार्य में सहायता करती है, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और ये कोडो बाजरे के कुछ लाभ होता है। चीना, रोजो मिलेट या चीना एक धान्य है जिसे छोटे गोल अनाज के रूप में जाने जाते हैं। इसका वैज्ञानिक रूप से पैनिकम मिलेशियम कहा जाता है। इसमें सब पात्रों से अधिक मात्रा में प्रोटीन होता है और इसमें उच्च पोषण मूल्य और प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। यह सबसे पुरानी खेती वाली फसलों में से एक है जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इसका उपयोग खाद्य बनाने में होता है जैसे कि पोहा और रोटी। बाजरे के जुड़े कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं। पहला प्रश्न कक्षा 1 और 2 के लिए, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? मैं अपनी प्रश्न दोहराती हूँ, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही उत्तर है कर्नाटक। दूसरा प्रश्न 3 और 4 कक्षा के लिए है, रागी से कौन सा विटामिन पाया जाता है? रागी से कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका सही उत्तर विटामिन डी। धन्यवाद और एवं शुभ दिन।